व्यक्ति हैं वो पहुंची हुई हैं और गेट को खोलने की कोशिश कर रही है। देखिए किस तरह से बंद हो चुका है। और नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हम हाजीपुर में मौजूद हैं और आप भी जान रहे हैं कि आज दरोगा का पेपर है और सारे लोग टाइम से अंदर चले गए, लेकिन एक महिला अभ्यर्थी, जी हां एक महिला अभ्यर्थी दौड़ते दौड़ते आई अपने पति के साथ, लेकिन गेट तब तक बंद हो चुका था। किस तरह का नजारा है, क्या कुछ बोल रही है, क्या कुछ दिख रहा है, वो आप देखिए। देखिए किस तरह से महिला अभ्यर्थी जो है वो गेट पे पहुंच गई है और गेट लग चुका है। दरोगा का पेपर था, दरोगा पेपर, उसके बाद गेट बंद हो गया। आपको दिख रहा होगा कि पुलिसकर्मी से किस तरह से रिक्वेस्ट कर रही हैं। टाइम अप हो चुका है, थोड़ी सी लेट है, लेकिन अब देखना होगा कि इनके साथ क्या होता है। अभी परीक्षा देने आए, चलिए ये परीक्षा देने आए हैं। एक इधर शख्स खड़े हैं और एक इधर महिला अभ्यर्थी खड़ी है, हाथों में एडमिट कार्ड है, पुलिसकर्मी है। क्या करिएगा, चादर रखा ना, क्या करिएगा, हो गया। चलिए देखिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपको हम नजारा दिखा रहे हैं, हाजीपुर सेंटर का नजारा दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से महिला अभ्यर्थी जो है वो अपने आवाज पहुंचाई है, परिवार के साथ पहुंची है। और देखिए किस तरह का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि गेट बंद हो चुका है और कोई नहीं सुनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। महिला अभ्यर्थी जो है वो बहुत टेंशन में है कि अब हम जाएं कैसे अंदर, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि टाइम अप हो चुका है। नाम क्या हुआ आपका? निशा कुमारी। तो लेट क्यों हो गई? लेट हम उधर चल गए थे सर, हमको पहला बार इधर आए हैं ना, इसलिए नहीं हम आज ठंड। गाड़ी दूर में लगाइए आप। देखिए यहाँ किस तरह से झांक रही हैं और अंदर से कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए दरोगा का पेपर था इनका और रिक्वेस्ट कर रही हैं लगातार। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आ रहे हैं? पटोरी। देखिए हाजीपुर के सेंटर पे चौरसिया राज किशोर कॉलेज के पास हम मौजूद हैं और लेट होने के कारण किस तरह से महिला अभ्यर्थी जो है वो किस तरह से रिक्वेस्ट कर रही हैं पुलिसकर्मी है। और देखिए बोला जा रहा है कि इनको हटा दीजिए क्योंकि ये लोग लेट हैं। और अब जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं वो इनका जो मेहनत था वो अब बेकार हो गया क्योंकि महिला अभ्यर्थी को अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए कुछ देखिए गेट के बाहर खड़ी हैं कब से और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि लेट हो गई हैं और सालों की मेहनत जो है वो बेकार नज़र आ रही है। यहाँ कितने साल की मेहनत थी आपकी, कितने साल की मेहनत थी नेहा जी? साठ जाइए आप लोग, कैमरा का निगरानी में कितने साल की मेहनत, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ। देखिए इंतज़ार कर रही हैं कि कोई गेट खोल दे लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो देखा आपने कि किस तरह से हाजीपुर सेंटर पे जो महिला अभ्यर्थी थी वो बाहर चिल्लाते रह गई, पुलिसकर्मी बोलते रह गए, वो हाथ जोड़ते रह गई, लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक गेट पर खड़ी हैं, कोई अंदर नहीं जाने दिया जा दे रहा है क्योंकि टाइम अप हो चुका है। और दरोगा अभ्यर्थी हैं ये, महिला अभ्यर्थी हैं, जब बात करने गए तो गुस्सा आ गई क्योंकि उदास है क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। दौड़ते दौड़ते आई थी लेकिन टाइम अप हो गया। नज़ारा क्या था वो आपको हम दिखा दिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेश करें, धन्यवाद।